माइग्रेशन टू अबिसिनिया के अंदर आपके पास एक सवाल आएगा, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन टू अबिसिनिया। 10 मार्क्स का एक नॉर्मल सा सवाल आ सकता है माइग्रेशन टू अबिसिनिया। फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी अबाउट इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे, देन फर्स्ट बैच के बारे में बताएंगे कि पहला बैच माइग्रेशन करने जाता है, एंड देन बताएंगे सेकेंड बैच ऑफ माइग्रेशन। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जब प्रॉफिट ओपन प्रीचिंग स्टार्ट करते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि प्रॉफिट ने जब साइलेंट प्रीचिंग करी तो उनका क्लैन उनके खिलाफ हो गया, बनू हाशिम के लोग उनके खिलाफ। जब बनू हाशिम के लोग उनके खिलाफ हो गए, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ साइलेंट प्रीचिंग ही प्रीच ओपनली, इन्होंने ओपनली प्रीच करा, तो कुरैश इनसिक्योर हो गए। कैसे इनसिक्योर हो गए? रिलीजियसली, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। सर, रिलीजियसली कैसे इनसिक्योर हो गए? जब प्रॉफिट बताते थे कि आपके फोर फादर्स का रिलीजन गलत है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम अपने फोर फादर का रिलीजन कैसे छोड़ सकते हैं, अपने बाप दादाओं का रिलीजन कैसे छोड़ सकते हैं, तो देवर रिलीजियसली इनसिक्योर। सोशली कैसे इनसिक्योर थे? क्योंकि इस्लाम वॉज ऑल अबाउट इक्वालिटी, स्लेव्स और मास्टर्स इक्वल थे और वो लोग ये नहीं चाहते थे, दैट्स वाई उन्होंने उस चीज को अपोज करा, देवर इनसिक्योर। पॉलिटिकली कैसे इनसिक्योर थे? उनको ये डर था कि होली प्रॉफिट लीडर बन जाएंगे और हमारे पास से पॉलिटिक्स का सारा कंट्रोल चले जाएगा। इकोनॉमिकली कैसे इनसिक्योर थे? इस्लाम के अंदर वो नहीं है, क्या नहीं है सर? आइडल वॉशिपिंग नहीं है। जब आइडल वॉशिपिंग नहीं है तो क्या होता है कि अगर आइडल वॉशिपिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही होती तो वो लोग वो नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? पैसे जो आइडल्स को देकर जा रहे हैं पिलग्रिमेज, और ये सारे जो पिलग्रिम्स और देकर जा रहे हैं पैसे, वो सारे अब कुरैश के पास नहीं आएंगे, तो देवर इनसिक्योर। तो आप क्या बताएंगे? प्रॉफिट ने जब ओपन प्रीचिंग करी, कुरैश वर इनसिक्योर, दे स्टार्टेड अपोजिंग एंड हैरेसिंग प्रॉफिट इन फॉलोअर्स एंड प्रॉफिट इन एवरी पॉसिबल वे। अब क्या हुआ कि फॉलोअर्स के लिए जो है वो सॉइल ऑफ मक्का सेफ नहीं थी, मक्का की जमीन वो नहीं थी, सेफ नहीं थी, दैट्स वाई उन्होंने ये सोचा, दे वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफिट। और अचानक प्रॉफिट के पास रेवलेशन आती है, गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह अर्थ इज स्पेशियस। अल्लाह का अर्थ बहुत बड़ा है, तो माइग्रेट कर जाओ, अच्छा उसके लिए जो अच्छा करेगा, और अल्लाह का अर्थ बहुत बड़ा है, तो इससे अल्लाह ताला ने ऑर्डर दे दिया कि फॉलोअर्स माइग्रेट कर सकते हैं। नाउ प्रॉफिट ने उनको सजेस्ट करा कि आप लोग अबिसिनिया चले जाएं, क्योंकि अबिसिनिया का जो रूलर है वो कौन है? वो है नजाशी नीगस है, और वो बहुत एक अच्छा रूलर है, जस्ट रूलर है, तो आप लोग अबिसिनिया चले जाएं। तो ये आप लोगों के पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, किसका पैराग्राफ है? ये माइग्रेशन टू अबिसिनिया का। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को माइग्रेशन टू अबिसिनिया का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ समझ आया या फिर समझ नहीं आया। नाउ द फर्स्ट बैच ऑफ माइग्रेशन टू अबिसिनिया। फर्स्ट बैच ऑफ माइग्रेशन टू अबिसिनिया के अंदर हम क्या बताएंगे? बेसिकली जब फर्स्ट बैच जा रहा होता है तो देयर वर 12 मेन एंड 4 वुमेन, टोटल जो थे वो 16 लोग उधर मौजूद थे इस बैच के अंदर, जो कि माइग्रेट करते हैं। कहाँ पर माइग्रेट करते हैं? अबिसिनिया के। अब ये जो बैच था इसको लीड कौन कर रहे थे? हजरत उस्मान बिन मौजून लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहे थे? हजरत उस्मान बिन मौजून। अब हजरत उस्मान बिन अफ़ान अलग है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान कौन है? जो राइटली गाइडेड कैलस वाले हैं, जो हम हजरत उस्मान का नॉर्मली नाम सुनते रहते हैं, वो हजरत उस्मान बिन अफ़ान है। हजरत उस्मान बिन मौजूम दूसरे। तो आप ये बताएंगे कि 12 मेन एंड 4 वुमेन, टोटल 16 लोग थे, उनको लीड कौन कर रहा था पहले बैच के अंदर? हजरत उस्मान बिन मौजूम। लेकिन इस बैच के अंदर हजरत उस्मान बिन अफ़ान, जो कि राइटली गाइडेड कैलिफ है, और हजरत रुकैया भी उस वक्त उधर क्या थे? मौजूद थे। तो आपने क्या बताना है? 12 मेन 4 वुमेन लेड बाय हजरत उस्मान बिन मौजून। इन दिस बैच हजरत उस्मान बिन अफ़ान एंड हजरत रुकैया वर आल्सो प्रेजेंट, और वो माइग्रेट करते हैं अबिसिनिया। जब वो माइग्रेट करते हैं तो प्रॉफिट कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट कपल टू माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह आफ्टर इब्राहिम एंड हिज वाइफ। हजरत इब्राहिम और उनकी बेगम के बाद जो माइग्रेट करा अल्लाह की राह के अंदर, वो कौन थे? वो आपके पास हजरत उस्मान और हजरत रुकैया ने क्या करा? माइग्रेट करा। अब जब वो लोग माइग्रेट करते हैं तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा क्या होता है कि जैसे ही मुसलमान पोर्ट पर पहुंचते हैं, पोर्ट ऑफ शैबा पर पहुंचते हैं, तो वहां पर शिप रेडी होती है, वो लोग लीव कर जाते हैं और कुरैश उनको कैच नहीं कर पाते, और कुरैश को इतना मसला भी नहीं होता क्योंकि सिर्फ 16 लोग जो है वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो कुरैश उस बात को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। अब अबिसिनिया जो है, अबिसिनिया के अंदर बताएंगे कि अबिसिनिया के अंदर जैसे ही कुरैश पहुंचते हैं तो देवर वेलकम्ड बाय नीगस। क्या बताएंगे?
अबिसिनिया के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं मुसलमान 16 लोग पहुंचते हैं, तो निगस उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है। जैसे ही वेलकम करता है तो क्या होता है कि अब वहां पर अबिसिनिया के अंदर मुसलमान सुकून से रह रहे थे, निगस भी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स एक रियोमर फैलता है। रियोमर ये फैलता है कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुरैश ने क्या कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। तो मुसलमान कहते हैं कि अगर अब इस्लाम कबूल कर लिया तो अब हमें मक्का के अंदर कोई डर नहीं है और अब हमें वापसी मक्का चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जमीन के अंदर रहना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। तो मुसलमान वापसी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वापसी जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके साथ एक छोटा सा मजाक हुआ है, और उन्होंने ये जो न्यूज सुनी थी ये क्या थी? झूठी न्यूज थी, ये कि रियोमर था। जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही उनको ये बात पता चलती है कि मजाक था, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं वापसी अबिसिनिया, और कुछ छुपके से मक्का के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो फर्स्ट बैच के अंदर कितने लोग थे? 12 men 4 women। लीड कौन कर रहा था? हजरत उस्मान बिन मौजून। उसके बाद आपने क्या बताना है कि हजरत उस्मान बिन अफान और हजरत रुकैया भी प्रेजेंट था। प्रॉफिट ने फरमाया, दिस इज द फर्स्ट कपल टू माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह आफ्टर इब्राहिम एंड हिज वाइफ। जैसे ही ये लोग पोर्ट ऑफ शेबा पे पहुंचते हैं, शिप क्या होती है? रेडी। जैसे ही शिप रेडी होती है, वो लोग क्या कर जाते हैं? लीव कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? लीव। जैसे ही वो लोग लीव करते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है कि मुसलमान जब वहां पर पहुंचते हैं अबिसिनिया के अंदर, और कुरैश को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, तो कुरैश उनको फॉलो नहीं करता, कुरैश चुपचाप बैठ जाते हैं। मुसलमान जैसे ही अबिसिनिया पहुंचते हैं, वाले लोग वहां पे सुकून से रह रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स एक रूमर फैलता है कि कुरैश, सारे कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से ये लोग वापसी कहाँ पर आ जाते हैं? मक्का। जब ये लोग वापसी मक्का आते हैं, तो इनको ये बात पता चलती है कि ये तो झूठ है। तो कुछ वापसी अबिसिनिया चले जाते हैं और कुछ कहाँ पे रह जाते हैं? मक्का के अंदर एंटर हो जाते हैं चुपचाप। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को फर्स्ट बैच ऑफ माइग्रेशन समझ आया या फिर कोई मसला है? इसके बाद हमारे पास है सेकेंड बैच ऑफ माइग्रेशन। सेकेंड बैच ऑफ माइग्रेशन के अंदर हम बताएंगे 83 men and 19 women। सर कितने लोग हो गए ये बेटा? 102। कितने हो गए? 102। 83 men and 19 women। पहले सिर्फ 16 लोग थे, अब आप बताएंगे 83 men and 19 women लेड बाय हजरत जाफर क्या कर रहे होते हैं? माइग्रेट करने का सोच रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग पोर्ट पर पहुंचते हैं, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टाइम टू माइग्रेट। सर क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि एक दफा क्वांटिटी बड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर से छुपके से भागना है, आप लोग भाग गए, सही है, छुपके से एक बंदे को भागना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पूरे घर वालों को भागना है, तो आप क्या करोगे कि भाई मुश्किल होगी ना, कोई देख लेगा, कोई रास्ते में 4 बंदे जा रहे हैं, 5 बंदे जा रहे हैं, तो शायद पकड़े जाओ, एक बंदा जा रहा है तो छुप 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 के निकल जाएगा। इसी तरीके से जब 16 लोग थे तो वो आसानी से निकल गए, उनको मसला नहीं था। लेकिन इस दफा 102 लोग हैं, क्वांटिटी क्या है, काफी बड़ी है, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंड कुरैश ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर था, ये लोग माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली माइग्रेशन टू अबिसिनिया देख चुके थे। तो ये बैच डिफिकल्ट था। तो 83 men 19 women, 102 लोग लेड बाय हजरत जाफर। पोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं, डिपार्चर के लिए शिप रेडी होती है, फौरन ये लोग डिपार्ट कर जाते हैं। जैसे ही डिपार्ट करते हैं, तो कुरैश कैच नहीं कर पाता, लेकिन इस दफा कुरैश गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि इस दफा क्वांटिटी क्या जा रही है, काफी बड़ी जा रही है, वो लोग वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? इस्लाम को फैला सकते हैं। तो अबू सुफियान अपने 2 बंदे भेजता है, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया। आपने अमर बिन आस का नाम याद रखना है, अब्दुल्ला बिन रबिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अगर ए स्टार लाना है तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट ने, अबू सुफियान ने क्या भेजे? 2 बंदे भेजे कि अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, जाओ अबिसिनिया और सारे मुसलमानों को वापसी लेकर। तो जैसे ही ये लोग अबिसिनिया जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रोस्ट्रेट करते हैं, नीगस के सामने झुकते हैं, उसको बो डाउन बो करते हैं, देन उसको गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि पीपल ऑफ आर कम्युनिटी हैव रिनाउंस देयर एंसेस्ट्रल फेथ। हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अपने बाप दादाओं का फेथ छोड़ दिया है, दे हैव कम टू योर कंट्री, वो आपकी कंट्री में आ गए, एंड देयर रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स ने कहा है कि इनको वापसी लेकर आओ, हालांकि नहीं कहा था ऐसा। अब क्या होता है कि जब ये नीगस से ये बात करते हैं कि उनको वापसी बुलाया, तो नीगस थोड़ा सा वो डरता है कि भाई मैं क्यों, क्योंकि नीगस एक जस्ट रूलर था। तो नीगस कहता है कि पहले मैं मुसलमानों को बुलाऊंगा, मैं मुसलमानों से पूछूंगा, देन मैं डिसाइड करूंगा कि आप लोग उनको हैंड ओवर करूं या नहीं करूं। तो मुसलमान, जैसे ही मुसलमानों को कोर्ट में बुलाया जाता है, तो मुसलमान झुकते नहीं है। जब वो झुकते नहीं है, तो नीगस पूछता है कि तुम लोग क्यों नहीं झुकते? तो उन्होंने कहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो मुसलमान वो नहीं करते, और नीगस जब पूछता है व्हाई यू गाइस डू नॉट बो, तो हजरत जाफर क्या कहते हैं? वी ओनली बो इन फ्रंट ऑफ अल्लाह।
हम सिर्फ अल्लाह के सामने क्या करते हैं, झुकते हैं, और उनके अलावा कोई भी वो नहीं करते। देन आपने क्या बताना है कि निगर जो है वो अबाउट मिरेकल ऑफ होली प्रॉफिट पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अच्छा, इससे पहले कन्वर्सेशन होती है, वो कन्वर्सेशन सुन लीजिएगा। हजरत जाफर से जब वो पूछते हैं ना कि तुम क्या मतलब यहाँ पर क्यों आए हो, तो हजरत जाफर बोलते हैं कि ये लोग झूठे हैं, कौन, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन नबिया, हम गलत राह पर थे, हम गलत हरकतों के अंदर मुलव्वस थे, लेकिन फिर एक बंदा आया होली प्रॉफिट जिसने हमें क्या दिखाई, सीधी राह दिखाई। और जब उसने सीधी राह दिखाई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग उसके खिलाफ हो गए, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या है वो कर गए। तो हजरत जाफर से उसने पूछा कि चलो तुम मुझे अपने प्रॉफिट के बारे में कोई मिरेकल बताओ, क्या बताओ, कोई मिरेकल विरेकल बताओ कि क्या चीज वो है। तो उस पे क्या होता है कि हजरत जाफर और को जब पूछा गया कि मिरेकल जो है वो आपके पास क्या है, कोई बताओ कि क्या है, तो हजरत जाफर ने कहा कि कुरान इनको एक मिरेकल मिला हुआ। तो नीगस उससे सेटिस्फाई नहीं होता, नीगस कहता है ये क्या मतलब है। तो उस पे जो है वो क्या है कि हजरत जाफर जो है वो क्या करते हैं, हजरत जाफर वर्सेस देते हैं, क्या पढ़ते हैं, हजरत जाफर वर्सेस प्रोवाइड करते हैं सूरह मरियम की। कौन सी प्रोवाइड करते हैं, सूरह मरियम की 16 से 21 वर्सेस, कौन सी, 16 से लेके 21 वाली वर्सेस पढ़ते हैं, जो कि हजरत ईसा से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है, हजरत ईसा से रिलेटेड होती है। तो जैसे ही वो पढ़ते हैं तो नीगस क्या हो जाता है, काफी सेटिस्फाई हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और कहता है कि जो कुरान कहता है और बाइबल कहता है इज लाइक द टू रेज फ्रॉम द सेम लाइट। फिर नीगस आगे आता है, नीगस आके जमीन पर आके एक लाइन बनाता है, और लाइन बना के कहता है कि डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इज नॉट बिगर देन दिस लाइन। फिर नीगस कुरैश को मुड़कर कहता है कि अगर तुम मुझे पूरा माउंटेन ऑफ गोल्ड भी दे दो तो भी मैं तुम्हें इनको हैंड ओवर नहीं करूंगा। तो ये आपके पास सेकंड बैच था, लेकिन इसके अंदर आपको एक और बात ये भी पता होनी चाहिए, एडिशनल बता रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि अगले दिन अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया वापसी आ गए और मुसलमानों को और नीगस को आकर कहते हैं कि लोग हजरत ईसा पे बिलीव नहीं रखते। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि नीगस उनसे बुलाकर पूछता है कि आपका क्या बिलीफ है हजरत ईसा से। तो वो कहते हैं कि हजरत ईसा एक प्रॉफिट थे। तो उस पे नीगस क्या कहता है कि नीगस फिर वो कहता है कि गोल्ड वाली बात करता है, सही है बेटा, ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है कि इस्लाम कबूल करा या नहीं करा, कुछ में लिखा हुआ है कि इस्लाम कबूल करा था, कुछ ने कहा था कि इस्लाम कबूल नहीं करा, लेकिन अपना सपोर्ट क्या करा, मुसलमानों को दे दिया। तो ये आपके पास क्या पूरी कहानी है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जल्दी जल्दी बताएं, सेकेंड बैच आप लोगों को आता है या नहीं आता। इसके बाद हमारे पास है, अच्छा अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। अगर माइग्रेशन टू अबिसिनिया पे आप लोगों के पास सवाल आ जाए, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन टू अबिसिनिया ऑफ सम ऑफ द अर्ली मुस्लिम्स। सबसे पहले P1 इंट्रोडक्शन, P2 आपके पास फर्स्ट, देन आपके पास सेकंड माइग्रेशन, देन आपके पास क्या है, सम मुस्लिम्स ट्रेवल टू अबिसिनिया, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द ग्रुप्स दैट माइग्रेटेड, उस्मान एंड जाफर वर अमंग द कंपेनियंस हु माइग्रेटेड टू अबिसिनिया, राइट एन अकाउंट ऑफ दिस माइग्रेशन एंड द इवेंट्स इन इट, द प्रॉफिट अलाउड सम ऑफ द अर्ली मुस्लिम्स टू मूव टू अबिसिनिया, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ दिस माइग्रेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम्स टू अबिसिनिया, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स रिलेटिंग टू द फर्स्ट माइग्रेशन हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स टू अबिसिनिया, राइट एन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू अबिसिनिया। तो ये 10 10 मार्क्स का सवाल आ सकता है। अब आपके पास एक सवाल है, व्हाट माइट बी लर्न फ्रॉम द वे दैट मुस्लिम्स वर ट्रीटेड इन अबिसिनिया। तो इसके अंदर सर हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लेसन सीखते हैं वो हमें क्या करना है बता देते, कि क्या हम सीखते हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को ट्रीट किया गया। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई मांगना है रेफ्यूज, कोई हमसे मदद मांगना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा भागते भागते आ रहा है, तो वो मुझसे अगर हेल्प मांगने आ रहा है या फिर मेरे घर में कोई छुपने आ रहा है, तो पहले मैं उससे सवाल करूं, या फिर अगर मैं किसी को रेफ्यूज दे रहा हूं तो मैं उससे सवाल करूं कि ये क्या हो रहा है, एंड देन दोनों जगहों की सुनूं, सिर्फ एक बंदे की नहीं सुनूंगी, एक बंदा कोई भी आके कह रहा है तो उस पे वो, तो उस पे ये है कि भाई मैं क्या करूं, दोनों की सुनूं एंड देन उस पे क्या करूं, जज करूं जो मुझे सही लगता है। उसके बाद आपने ये बताना है कि मुसलमानों को अबिसिनिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम मिला, तो अगर हमारे पास कोई हिंदू अगर हमारे पास हेल्प मांगने आ रहा है तो हम भी उसको क्या दें, रिलीजियस फ्रीडम दें। उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि रिलीजियस फ्रीडम के साथ साथ उनको सुकून से रहने दें,
उसके बाद उनको तंग ना करें, कोई अगर उनको लेने आए तो हम उनको फॉरन हैंड ओवर ना करते हैं, दोनों चीजों की सुने। तो ये आपके पास क्या है, 4 मार्क का सवाल है, तो आप इसके अंदर क्या बताओगे। द मुस्लिम्स ऑफ मक्का वर गिवन अ फेयर हियरिंग बाय द नीगर्स, सो नाउ पीपल शुड आल्सो बी रेडी टू लिसन एंड जज फेयरली इन अ डिस्प्यूट। द मुस्लिम्स वर अलाउड टू स्टे इन अबिसिनिया एंड वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली, सो पीपल नाउ कैन टेक द एग्जांपल टू अलाउ अदर्स टू कम एंड लिव अमंग देम एंड हैव रिलीजियस टॉलरेंस फॉर अदर बिलीव्स। The emigrants acted in a way that led to them being welcomed and given the right to stay. So a lesson could be to be always respectful and honest. फिर हमारे पास एक सवाल आएगा, in your opinion was this migration similar to migrations today? Give reasons for your answer. तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि भाई migration similar नहीं है, क्यों different है, उसमें आप सबसे पहले ये बताएंगे कि पहले जो आपके पास इस जमाने के अंदर जो होती है, इस जमाने के अंदर जब माइग्रेशन होती है तो रिसोर्सेस लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अफगान रेफ्यूजीज जब यहाँ पर आएंगे, जब हम हिस्ट्री में अफगान रेफ्यूजीज के बारे में पढ़ेंगे तो रिसोर्सेस लिमिटेड थी उस जमाने के अंदर, पूरे शहर में आपको दे दिया कि भाई आप जा सकते हो, जो करना है वो करो। अब क्या होती है, रिसोर्सेस लिमिटेड होती है। दूसरा, उस जमाने के अंदर जो वो की गई वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस उस पे पर्पसेस पे की जाती थी। आज जिंदगी में लोग सेफ्टी के लिए करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जब काबुल और के अंदर अफगानिस्तान और के अंदर माहौल थोड़ा खराब हुआ, जो अमीर थे वो माइग्रेट कर गए। तीसरा, इस जमाने के अंदर लोग पैसा कमाने के लिए भी माइग्रेट करते हैं, बाहर पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। चौथा, इस जमाने के अंदर लोग बाहर पढ़ने भी जाते हैं, तो पढ़ने की वजह से भी क्या है, तो इस वजह से माइग्रेशन टू अबिसिनिया तो सिर्फ रिलीजियस रीजन था ना, तो दैट्स वाई इट इज वेरी डिफरेंट। तो आप क्या बताओगे, इन माय ओपिनियन दिस माइग्रेशन वाज मच डिफरेंट देन माइग्रेशन ऑफ टुडे इन मेनी वेज। फर्स्टली, टुडेज माइग्रेंट यूजुअली लिव इन रेफ्यूजी कैंप्स वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। As people from Syria taking refuge in other countries like Jordan and Turkey where resources are limited. Secondly, migration to Abyssinia was done for purely religious purposes as they could not practice the religion freely. Today, Muslims migrate just for safety of their lives. Thirdly, nowadays most of the migrations are economic migrations. Many Muslims now move for work and financial reasons, so it is not similar. Moreover, nowadays Muslims also migrate for education, so it's not similar. तो आपने ये बता दिया भाई ये similar क्यों नहीं है? सर ये सवाल कब कब repeat हुआ? How does this migration compare to recent migrations of Muslims to other countries? Same as question 2. Can this migration be compared to the migration of some Muslims today? Give reasons for your answer. Same answer. Then आपके पास ये सवाल और कहीं repeat हुआ है? नहीं repeat हुआ. Then आपके पास एक सवाल है, What was the significance of this migration for the early Muslim community? इस migration की क्या significance थी, क्या importance थी? तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये इस्लाम के लिए क्या था, बहुत ज्यादा important था, क्योंकि पहली दफा एक ऐसी जगह का हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमें किसके अंडर रहना है, मुसलमानों के अंडर रहना है, रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि पहले कुरैश के अंडर हम रह रहे थे। अब हम जब अबिसिनिया जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम हो सकता है, एक इस्लामिक स्टेट की हमारे पास दिमाग के अंदर एक कहानी आती। दूसरी बार आप क्या बताएंगे कि हमारे पास इससे क्या होता है, इस माइग्रेशन की मदद से जो फॉलोअर्स ने इतनी ज्यादा परसिक्यूशन फेस करी वो उससे क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। तीसरा क्या, वो इस्लाम को आउटसाइड मक्का फैला सकते थे, क्या कर सकते थे, आउटसाइड मक्का फैला सकते थे। चौथा, माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ कि वो इस्लाम को फॉलो भी कर सकते थे। फिर पांचवा रीजन क्या है कि आप ये भी बता सकते हैं कि क्रिश्चियंस के साथ उनके रिलेशंस बेहतर हो गए, क्योंकि क्रिश्चियन कौन थे, ये आपके पास नीगस क्रिश्चियन था, तो उससे रिलेशंस क्या हो गए, बेहतर हो गए। तो ये आपके पास क्या है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Muslims migration to Abyssinia was significant in different ways. It was the first migration Muslims did for the cause of Islam and establishment. It was also the first political measure made by Prophet Muhammad, peace be upon him. This gave birth to the idea of establishing a separate Islamic state with independence and freedom. So in later years, Muslims emigrated to Medina and established a separate Islamic state under Muhammad, peace be upon him. This migration also brought relief to the followers who had been suffering in Makkah, Abyssinia. Under the administration of Negus, they could worship openly and practice religion freely. Moreover, this brought immunity to the believers' lives which were under threat in Makkah. Due to this migration, relations with Christians got better. This migration helped early Muslims to spread Islam and due to which the number of Muslims increased. Why, what was the importance? Importance or significance ka matlab same hi hota hai. Answer kya hoga? Same hi hoga. Paper mein sawal hai, why did people of Makkah pursue these Muslims? Ye aapke paas kya hai? Ye sawal ka matlab ye hai ki Makkah ke logo ne क्यों मुसलमानों को फॉलो करा, क्यों माइग्रेशन टू अबिसिनिया में उनके पीछे गए। तो ये आपके पास क्या है, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, अब क्यों पीछे गए, तो वही वाले रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल रीजंस की इनसिक्योरिटी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। वेरियस फैक्टर्स टर्न कुरैश होस्टाइल टुवर्ड्स इस्लाम एंड प्रॉफिटहुड सच एज रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल। दे वर वेरी एंग्री एट द
open preaching of Islam. They thought that Holy Prophet was claiming leadership over them and attacking their religion. They took Islam as an insult to their forefathers' religion because they were idol worshippers and Islamic teachings were based upon unity of Allah. They were very fearful that if Islam would establish their wealth and their religion would disappear, Islam openly condemned the social customs of the Quraysh, their ideas and lifestyle, that they were not ready to leave their old ways of life. They were class conscious people who did not treat their slaves and poor as a human, and Islam is a religion of equality. The rivalry between Banu Hashim and Banu Humayya was also an important reason for their opposition, because Prophet belonged to Banu Hashim and rulers were from Banu Umayya. Moreover, they also feared that donations from pilgrims and tribes of Arabia would stop. They feared that if Muslims would migrate, the superiority of Quraysh will soon end. That's why they pursue Muslims. तो ये आपके पास reasons है कि इस वजह से लोग डरते थे, और ये सवाल काफी दफा repeat हुआ है. Migration to Abyssinia के साथ एक दफा मिलकर आ गया, कभी किसी और topic के साथ मिलकर आ गया, तो ये आपके पास क्या है, paper में सवाल काफी दफा आ चुका. तो ये hopefully आप लोगों को इसके 4 marks वाले सवाल समझ आ गए होंगे.